हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अदर। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की आईटी मूवी पोस्टर कंसर्ट फोटो एडिटिंग। तो गाइस अगर आपने आईटी मूवी देखी होगी तो गाइस आपको इसके बारे में पता होगा। एंड गाइस इस वीडियो में जितना बैकग्राउंड और पीएनजी यूज है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको आराम से एकदम डाउनलोड कर सकते हो। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो एंड वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट फॉर इट। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपने इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल से बस क्या ड्रॉ टूल में इसको लेकर चले जाना है। और यहाँ ड्रॉ टूल में आने के बाद सब आपने क्या करना है, लेयर पे जाना है और यहाँ पे गाइस आपने ऐड फोटो पे चले जाना है। और यहाँ गाइस ऐड फोटो पे जाने के बाद से आपने अपने कटआउट को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस मैंने कटआउट पहले से बना रखा है, अगर आपने बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को जाकर देख के आराम से सीख सकते हो कि HD में कैसे करना है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, अपने मॉडल को ट्रांसफॉर्म करके हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बनाते हैं, और नहीं है यहाँ पर क्या करेंगे, फोटो लेयर से जाएंगे और यहाँ पे गाइस आपको एक PNG मिल जाएगी, तो आपने इसको ऐड कर लेना है। और गाइस ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। और गाइस अगर आपने इसको एडजस्ट करना हो तो आप इसको ट्रांसफॉर्म पर ले जाना और इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम पहले वाला ही कर लेते हैं, तो इसको हम अंडू कर लेंगे। और फिर यहाँ पे गाइस जो हमारा नीचे एम्प्टी लेयर है हम उस पर जाएंगे, और इसमें गाइस हम ऐड फोटो पे जाएंगे। और यहाँ पे गाइस आपको एक बलून की PNG मिल जाएगी, तो आपने इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके अपने मॉडल के साइड में इसको सेट कर लेना है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे गाइस हमने इसको एकदम परफेक्टली सेट कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ड्रॉ टूल से अपनी फोटो को हम कर देंगे डन। और उसके बाद से गाइस हम इसको FX में लेके जाएंगे। और यहाँ पे गाइस आपने FX में आने के बाद से कलर के ऊपर जाना है, और यहाँ पे गाइस आपको कलर के ऊपर जाने के बाद से सेचुरेशन मिलेगा, आपने उस पर जाना है, उसके अमाउंट को जीरो कर देना, ठीक है। फिर इरेजर पर जाना है, इन्वर्ट कर लेना है। और फिर गाइस उसको क्या करना है, आपने अपने स्किन के ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पर अपने फेस पर लगा लेते हैं, और यहाँ पर अपने हैंड के ऊपर भी इसको हम लगा लेंगे। तो उसके बाद से गाइज जब यहाँ से हम इसको डन कर देंगे, और यहाँ से डन करने के बाद से गाइज अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसके मेकअप वाला काम करना है। तो यहाँ पे गाइज आपने ऐड फोटो पे चले जाना है, और यहाँ पे ऐड फोटो पे जाने के बाद से गाइज आपको एक PNG मिल जाएगी, तो आपने उसको ऐड कर लेना है। और गाइज इसको ऐड करने के बाद यहाँ ऊपर के साइड में हम इसको लगाते हैं। और फिर क्या करेंगे गाइज, आपने इसका 3 डुप्लीकेट बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम 3 बार इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, आप बारी बारी से सबको हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे गाइस हम फर्स्ट वाले को ले आते हैं, और इसको क्रॉप करना है, जो आपका ब्लैक एरिया आइस वाला है तो आपने उसको ऊपर तक इसको क्रॉप कर लेना है, बस इतना सा रखना है। और फिर गाइस इसे अपने आइस के ऊपर इसको सेट कर लेना है, और देन इसका ब्लेंडिंग मोड गाइस आपने ओवरले कर देना है, ठीक है। और इतना करने के बाद से आपने फिर गाइस सेकेंड वाला लेना है, और गाइस इसमें आपने क्या करना है, आपने जो इसमें आइज का ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है आपने उसको बस क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसमें क्रॉप कर लेते हैं, और देन इसको डन करेंगे। और फिर गाइस इसको हम अपने आइज के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो गाइज यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के बाद से आपने इसका ब्लेंडिंग मोड गाइज चेंज कर देना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई रख लेना है, ठीक है। और फिर इसकी ओपेसिटी आपने 45 के अराउंड रखनी है। और फिर गाइज जो आपके आइज के अंदर है ना, जो ब्लैक पेंट, उसको गाइज आपने इरेज कर देना है। तो यहाँ पे गाइज हम इसमें इरेजर पे जाते हैं, और इसके अंदर वाले एरिया को गाइज हम इरेज कर लेंगे। तो गाइज हमने यहाँ पे इसको एकदम परफेक्टली इरेज कर लिया, आप देख ही सकते हो कि हमारे यहाँ पे एकदम ब्लैक वाला एरिया कितना अच्छा से सेट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, थर्ड वाले को लेंगे, और इसमें गाइज हम ये वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्रॉप कर लेंगे, और देन यहाँ से इसको अब डन कर देंगे। और फिर क्या करना है, अब गाइज इसको अपने फेस पे इसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग इसको सेट करना, और
और गाइज ये जो लाइन घूम के हमारे माउथ के पास आ रहा है गाइज, आपने उसको एकदम वैसे ही सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइज हम इसको स्ट्रेच करके सेट कर लेंगे, और इसका भी ब्लेंडिंग मोड गाइज हमें ओवरले ही रखना है, ठीक है। और ओवरले रखने के बाद यहाँ पर देखो गाइज जो हमारा नोज है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पेंट हो गया है, तो यहाँ पे गाइज हम इसको एडजस्ट करेंगे और फिर इसको इरेजर पे ले जाएंगे और बाकी एरिया को हम इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे हम नीचे वाले एरिया को हम इरेज कर देते हैं और यहाँ साइड साइड से, तो ये काफ़ी सही है, ठीक है। और उसके बाद गाइज अब आपने यहाँ से अपनी फ़ोटो को डन कर लेना है। और फिर गाइज आपने इसको ड्रॉ टूल में लेके जाना है, और यहाँ ड्रॉ टूल में आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइज थोड़ा सा लाइट कलर इसमें आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये वाला कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है, और फिर क्या करना है, आपने उस लेयर के ब्लेंडिंग मोड को आपने कर लेना है ओवरले। और फिर क्या करना है, यहाँ पे अपने नोज़ के ऊपर इसको पेंट कर लेना है। तो ये साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसमें हम छोटा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप से आपने इसको पेंट कर लेना है, तो ये साइड वाले एरिया को हम थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। और फिर गाइज आपने ऐसे ही अपने माउथ पे भी पेंट कर लेना है, ठीक है। तो ये सही लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप से आपने पेंट कर लेना है। और गाइज इतना पेंट करने के बाद से आपने एक एम्प्टी लेयर बनानी है और एड फोटो पे जाना है, और वही पीएनजी लेनी है जो आपने जो मेकअप वाली पीएनजी थी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बस उसमें माउथ को आपने सेलेक्ट करना है क्रॉप करके, ठीक है। तो गाइज हमें इतना सा एरिया चाहिए, तो यहाँ पे गाइज हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और देन यहाँ से इसको आप डन कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम ट्रांसफॉर्म करके अपने माउथ के पास लगा लेते हैं, और उसके बाद से गाइज हम इसको इरेजर पे ले जाएंगे, और जो गाइज इसमें तीत दिख रहे हैं ना आपने उसको इरेज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपने इसको इरेज कर लेना है। और इसका ब्लेंडिंग मोड गाइज आपने ओवरले कर देना है। तो पहले तो इसको गाइज ट्रांसफॉर्म करके आपने सेट कर लेना है अच्छे से अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे गाइज हमने अपने साइड साइड वाले एरिया को इरेज कर लेना है, और देखिए ये हमारा एकदम परफेक्टली सेट हो गया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने ड्रॉ टूल से गाइज फोटो को हम कर देंगे डन। और यहाँ से गाइज डन करने के बाद से अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ब्यूटी का ऑप्शन मिलेगा, आपने उस पर चले जाना है, और यहाँ पे आपने स्लाइड कर लेना है नीचे के साइड में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हेयर कलर का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पे ग्रीन कलर मिलेगा, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसमें गाइज आप इसकी सिचुएशन को फुल कर सकते हो। तो यहाँ पे इरेजर पे जाना है, और गाइज बाकी हेयर पे छोड़ के बाकी एरिया को आपने इरेज कर देना है, मतलब कहीं कहीं पे आ जाता है ये ऑटोमेटिक जब होता है। तो यहाँ पे गाइज हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज हमने इसको एकदम परफेक्टली कर लेते हैं, क्या करेंगे इसको हम लेके जाएंगे ऐड फोटो पे, और यहाँ पे गाइज आपको डार्क शैडो की पीएनजी मिल जाएगी, तो आपने उसको ऐड कर लेना है। और यहाँ पे गाइज इसको ऐड करने के बाद से आपने इसको राइट साइड की तरफ नीचे के साइड में इसको यूज कर लेना है, और देन यहाँ से इसको डन कर लेना है। और गाइज आपकी एक लास्ट टेक्स्ट पीएनजी बच गई है आईटी वाली, तो आपने उसको भी ऐड कर लेना है, और यहाँ पे इसको ऊपर के साइड में लगा देना है। और उसके बाद से गाइज यहाँ से आपने अपनी फोटो को डन कर लेना है, उसके बाद से ड्रॉ टूल जाना है, फोटो करना है सेव और लेकर चलना है लाइटरूम में। तो यहाँ पे गाइज हम आ गए अपने लाइटरूम में, और लाइटरूम में आने के बाद सब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए गाइज एक ऑटो का ऑप्शन मिल गया, आपने उस पर क्लिक कर देना है, तो गाइज ये ऑटोमेटिक आपकी लाइट सेट हो जाएगी, ठीक है। और गाइज यहाँ पे आप मैनुअल सेट करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पर सेट कर सकते हो। और फिर गाइज उसके बाद से आपने कलर के ऊपर चले जाना है, और इसमें गाइज आपने यहाँ पे भी ऑटो का ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें ऑटो पर क्लिक करोगे तो ये गाइज ये थोड़ा ब्लू कलर में हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसमें टिंट को थोड़ा सा कम कर देना है, तो यहाँ पे माइनस का 25 है, तो इसको हम और थोड़ा कम कर देते हैं, इसको गाइज हम कम करके रख लेते हैं यहाँ पे 10 के आसपास इसको हम रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद से गाइज हम चले जाएंगे यहाँ पे हम मिक्स वाले टूल पे, और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट कलर है उसके सिचुएशन को आपने थोड़ा सा माइनस करना है 20 के आसपास,
और देन गाइस आपने येलो कलर का भी थोड़ा सा माइनस कर देना है। और उसके बाद से गाइस जाएंगे हम ब्लू कलर पे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो इसमें गाइस हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे, आप देख लो, क्योंकि गाइस कुछ भी चेंज करें थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं जैसा है वैसा ही। और देन यहाँ से इसको हम डन करेंगे और फिर चले जाएंगे हम नेक्स्ट वाले टूल पे। यहाँ पे गाइस हम टेक्सचर को इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे डीएच को भी हम 10 रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा विग्नेट है इसको हम रख लेते हैं -K20। और उसके बाद से गाइस चले जाना है आपने यहाँ पे डिटेल वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे शार्पनिंग को इंक्रीज करना है। जब गाइस आप शार्पनिंग इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे मास्किंग आपने जरूर से इंक्रीज करना है। और उसके बाद से गाइस आपने इसमें नॉइज रिडक्शन भी थोड़ा सा कर देना है 15 के आसपास। तो गाइस देखिए हमारी फोटो हो गई है फुल्ली कंप्लीट, बिफोर एंड आफ्टर भी आप देख सकते हो। तो गाइस आप कमेंट कर जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर।